के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दर्पण झूठ नहीं बोलता और बात कर रहे हैं दूरसंचार दिवस की जो 17 मई को मनाया जाता है। खास हमने सकारात्मक क्या असरें हुई है हमारे पूरे विश्व में इसके बारे में तो चर्चा की, लेकिन कहीं ना कहीं ये दूरसंचार के माध्यम में जो नए संशोधन हुए हैं नकारात्मक भी है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरे पहलू की बात करते हैं, रुझान खंबाता जी हमारे साथ जुड़ी हुई। रुझान जी क्या कहेंगे क्या कहेंगे आप? मुझे यही कहना है कि जैसे कि एक छुरी है, राइट, छुरी काटने के लिए भी यूज होती है, खून करने के लिए भी यूज होती है, तो हम किसको यूज करते हैं? जैसे कि अभी हमने ये बताया कि ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप ये सब यूज हो रहे हैं हमारे कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे को टच करने के लिए, टच बेस करने के लिए। लेकिन आप सामने बोलोगे तो भाई टेररिस्ट भी इसको यूज करते हैं, स्मगलर भी इसको यूज करते हैं, तो ये भी ये तो सत्य है ही, और ये एनक्रिप्टेड होता है, यानी अपने को पता भी नहीं चलेगा। तो यू नो ये जो, और ये अपने कंप्यूटर की भी हमने बात की या मोबाइल की बात की, उसमें वायरस लगता है तो उसमें हमारे पासवर्ड चोरी हो जाते हैं, हमारे फ्रॉड होते हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड चोरी होता है, तो ये भी एक सत्य है, ये भी एक हकीकत है। और उसके साथ फिर वो चेर चोर पुलिस की खेल चालू हो जाता है। ये एक अभी ऐसा है कि जो नॉर्मली पुलिसिंग जो अभी हमारी होती थी उससे ज्यादा साइबर पुलिसिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप लोग अभी इंडिया में तो इतना नहीं आया, लेकिन जो अपने वो थर्ड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है जैसे कि यूके, यूएसए लो, उसमें तो जैसे कि पूरे पूरे हैक होते हैं कंप्यूटर, जिसमें पूरी उनकी सिस्टम पूरा पूरा देश उससे चलता है। एग्जाम्पल एक अगर उनकी यूटिलिटी सिस्टम, वाटर यूटिलिटी सिस्टम, ओके मान लो वाटर यूटिलिटी सिस्टम हैक हो जाती है तो सारा पानी बंद हो जाएगा, या गैस सिस्टम हैक हो जाएगी सबकी गैस बंद हो जाएगी, और किधर कैन बी ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोजन। तो वो सब तो नेगेटिविटीज है ही, लेकिन उसको तो वो ध्यान रखना है। जैसे कि सिंपल एज दैट एक्सप्लोजन, तो यहाँ भी कोई बॉम्ब लगा देगा तो हो जाएगा, तो ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे ना कि भाई हम लोग घर पे रहना छोड़ देंगे, हम लोग ऑफिस बनाना छोड़ देंगे। सिमिलरली इंटरनेट के बारे में ये बोला जाता है, ये जो नेटवर्किंग है उसके बारे में बोला जाता है कि हमें उसको किस तरह प्रोटेक्ट करना है, जिसको कहते हैं फायर वॉल्स कहते हैं, ऐसे सिंपल चीजें, तो वो सब लगा के हमको उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये एक अपनी जगह एक बहुत बड़ा फील्ड है। अब आप जो सोशल एस्पेक्ट जो टच करना चाहते हैं, सोशल एस्पेक्ट में मेरे को खास ऐसा कहना है कि लेट अस से आपका एक पॉइंट सही है कि हम लोग हमारे परिवार जनों से दूर हो गए, लेकिन एक दूसरी पॉइंट आपको बताऊंगी, मुझे अभी भी पता है कि बुढ़े माँ बाप जिन्होंने अपने कंप्यूटर कभी लाइफ में देखा नहीं है, मोबाइल देखा नहीं, लेकिन उनके जब बच्चे फॉरेन होते हैं तो वो सीखते हैं कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करने का, वीडियो के सामने कैसे सीख बैठने का, स्काइप कैसे यूज करने का, तो यू नो तो वो भी सीखते हैं बिकॉज फॉर द लव ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि हम हमारे बच्चों के पास आ सकेंगे, हम इस तरह देखते रहेंगे। तो फिर वो बेटी उसके वो आईपैड लेके पूरे घर घुमाएगी कि देखो मेरा घर ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात की जो अभी जो यूथ की बात करो, जिनको बोलते हो कि हाँ इसकी मिसयूज है, जैसे कि सोशल मीडिया में सच बोला जाए तो 98% कचरा आता है, रिपीट करते 98% कचरा मैसेज आता है, वो फॉरवर्ड आता है, यूथ बुद्धि नहीं चलाता है, उस चीज से मुझे सख्त नफरत है। और आपका कहना सही है कि जो फॉरवर्ड वाली सबसे गंदी चीज है, लेकिन अच्छी चीज क्या है कि अगर कोई मैसेज आता है और उस पर कुछ लोग अपने अपने राय रखते हैं और यू नो एक हेल्दी उसमें डिबेट होता है, तो उससे क्या होता है कि लोगों को खुद की एक तो क्षमता आती है, उनकी लॉजिक बढ़ती है, दूसरे की टॉलरेंस पावर बढ़ती है। जो हमें कहते हैं ना कि इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री का पहला रूल है कि यू शुड टॉलरेंट कि सामने वाला भी क्या बोल रहा है, खून खराबा करने नहीं पहुंच जाना कि भाई तू गलत बोल रहा है, मैं ही सच हूं, मैं ही सत्य हूं, ये भी एक नेगेटिव हो रहा है। सो दिस इज दीज थिंग जो सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत बात है जो हमें रोकनी चाहिए, और इसके लिए देर आर रूल्स एंड रेगुलेशन। और ऑब्वियसली मुझे आपके माध्यम से सब दर्शकों को भी कहना है कि आप लोग मेहरबानी करके फॉरवर्ड डालना बंद कर दो, स्पेशली वो इमोशनल फॉरवर्ड, इसको खून चाहिए, ये इसको ये कैंसर हुआ है, ये हुआ है, ये चाहिए, ये सब गलत है, ये इमोशनल फॉरवर्ड है। दूसरा पॉलिटिकल फॉरवर्ड जो वो जात धर्म की झगड़े कराता है, क्योंकि आपको बता दूं कि 98% या 99% ये सब यहाँ से वहां से कॉपी पेस्ट होता है और फिर दिखाया जाता है, जो कभी भी सत्य नहीं होता है। तो हमें उसे उश्कारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि कई पॉजिटिव जैसे कि थैंक्स टू इंटरनेट वो अफसर जी जो अपने जो इजिप्ट में देखा था जो पूरी वो सत्ता पलट गई, तो ये भी एक पॉजिटिव भी चीज है और ये सब नेगेटिव भी चीज है। तो यूथ को ये अपना दिमाग यूज करना, इसे मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि यूथ के पास अपना सोच होनी चाहिए, उसको ढोर प्रजा की तरह नहीं करना कि भाई ये कर रहा है तो मैं भी करूँ। बिल्कुल। अब हम लोग दूसरी साइड पे देखेंगे, थोड़ी फैमिली वाली साइड देखते हैं। फैमिली साइड में मैं अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ कि मेरी मम्मी इंटरनेट से भी नहीं है, मोबाइल से भी नहीं है, लेकिन उनको थोड़े टाइम से पहले हमने व्हाट्सएप सिखाया, हमारा एक छोटा सा फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। तो इससे क्या हो, ऐसा नहीं कि मम्मी इस रूम में बैठी, मैं इस रूम में बैठी हूँ, तो ऑब्वियसली मम्मी का बर्थडे तो मैं जाकर हग करके हैप्पी बर्थडे तो करूंगी करूंगी, लेकिन रात को 12:30 बजे अगर मुझे मेरी मम्मी को विश करना और मान लो कि वो उसका बर्थडे है तो मैं व्हाट्सएप पे हैप्पी बर्थडे करूँ, उसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि अगर 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 हम इस तरह भी करेंगे तो मम्मी ऐसा नहीं बोलेगी कि मेरी बेटी मेरे रूम में क्यों नहीं, बट दिस इज जस्ट अ वे। सेकंड, अगर आप व्हाट्सएप पे देखोगे तो अगर कोई हेल्दी जोक शेयर करोगे और जोक शेयर करने के बाद हम लोग जब मिलते हैं पर्सनली तो बोलते हैं पूछते मम्मी वो जोक कैसा लगा, मम्मी मेरा फोटो देती कि अगर मैं अभी बाहर हूँ और कहीं से उनको फोटो भेजती हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरी लड़की मैंने फोटो भेजा, यू नो सब ये लाइव जाता है। तो मैं इसको पॉजिटिव में देख रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हम लोग एक ही घर में रहते फिर भी व्हाट्सएप क्यों करते हैं, व्हाट्सएप तो इट्स फाइन कि अगर जब उस पलों में हम लोग साथ नहीं है, क्योंकि जरूर नहीं अपने एक घर में रहते तो 24 घंटे साथ रहते, लेकिन अगर व्हाट्सएप साथ में है तो वो हमारे साथ 24 घंटे जुड़े रहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह
तरह देखोगे तो आप किसी अलग सोचोगे, लेकिन आप इस तरह देखोगे कि साथ में रहते तो क्या जरूरत है फोटो शेयर करने की, अरे भाई तो साथ में रहते तो थोड़े फोटो लेकर रोज दिखाने जाएंगे कि मम्मी ये मेरी फोटो देखो, ये मैंने किया वो मैंने किया। सो दीज आर द थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ये बात जरूर है कि अगर हम लोग फेसबुक पे डाले कि मैंने आज बाथरूम में ये टाइम पे गया, नाश्ता ये टाइम पे गया, तो ऑब्वियसली वो हंसने वाली बात है कि आप करके आए हो फेसबुक पे ये डालते हो कि बाथरूम कब गया, नाश्ता कब किया, केला कब खाया, लेकिन वो अलग अलग स्टोरी है। लेकिन कमिंग बैक टू, सो दिस इज द वे, बट यूथ जो दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट है कि जो इसका मिसयूज होता है, मिसयूज कहाँ आता है मैं बता दूं कि जो अपनी यंग लड़कियां जो ऐसा सोचती है कि मैं सोशल मीडिया व्हाट्सएप करूंगी तो मैं हैक बन जाऊंगी, और फिर उनके जो सामने, उनको ये नहीं आइडिया है कि जो सामने जवाब दे रहा है वो कौन है क्या है, सिर्फ वो फोटो देख के, कई फोटो सच्चे नहीं होते हम सब जानते हैं, उसकी चकासनी नहीं, नहीं करती है। और फिर यू नो जो वर्चुअल फ्रेंड बनते, ऐसे हमने कई स्टोरी सुनी है कि वर्चुअल फ्रेंड बनके कैसे पर्सनली उनको डैमेज होती है या इकोनॉमिकली उनको कैसे डैमेज होती है, वो हमें ध्यान रखना है। और इसके लिए ऑब्वियसली हम सब हमारी मीडिया में भी आपने देखा है कि कई बार जागृति कर रहे हैं। सो दीज आर द नेगेटिव ऑफ इट, बट कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि नेगेटिव और पॉजिटिव है, बट दैट इज वेयर भगवान ने और जो कहते हैं बुद्धि, हम इंसान है तो हमारे पास वो बुद्धि होनी चाहिए कि क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है, और फिर उस डिसीजन को लेकर, हमारी बुद्धि को लेकर हमें आगे चलना है, तो वी विल बी सेफ। और हम जो जो दूर संचार का जो रियल उपयोग है जो हमारे बेनिफिट में हम कर सकते हैं, बेनिफिट कई सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि मिसयूज होता है, लेकिन हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए जब भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो खास फैमिली की जब बात आती है तो बिल्कुल से आपने अच्छी तरह से कहा कि व्हाट्सएप और इंटरनेट अगर हमारे बुजुर्ग भी उपयोग करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा फायदा होता है। लेकिन हम जानते हैं कि रुझान जी, पहले जब परिवार संयुक्त परिवार था उसके बाद अब न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा देखने मिल रही है, लोग अलग विभक्त कुटुंब में ज्यादा रह रहे हैं। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, अलग अलग परिवार के लोग होते थे, महीने में एक दो बार गेट टुगेदर होता था, लेकिन अब फोन पे जल्दी सी बात हो जाती है। तो लोग ये कहते हैं कि फोन पे बात हो गई है, मिलना क्या जरूरी है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लगाव जो था, जो तार का लगाव था, भले ही 20 दिन के बाद मिलता था लेकिन लोग लगाव से पढ़ते थे। आज मैसेज का रिप्लाई आता है तो उसको मैसेज आता है तो उसका रिप्लाई देने में इतना लगाव नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं प्यार जो कम हो गया है, जो लगाव था वो कम हो गया, आपको ऐसा नहीं लगता कि मिलना कम हो गया है? सिर्फ सबसे पहले तो मेरे को एक अलग चीज कहनी है कि मान लो कि मैं आपको हार्डली साल में या महीने में, छह महीने में एक बार मिलती हूँ, लेकिन जो लगाव होता है, अगर एक दूसरे की केमिस्ट्री होती है तो वो मैच हो जाती है, तो उसमें जरूरी रोज मिल के करने का कि भाई हम मिले ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा टेक है। दूसरी पॉइंट आप जो बोलते हो कि मान ये भी के, मुझे अभी भी याद है कि हम जब छोटे थे, बड़े बुजुर्ग के घर में वो त्योहार के दिन जाना पड़ता था कि आशीर्वाद लेने या यू नो वो आशीर्वाद लेने या जो भी होता है, तो कई लोगों को ये नहीं पसंद था, तो अभी क्या करते कि भाई चलो ना व्हाट्सएप कर दिया विशेष कर दिया तो कर खत्म गया, बट वो उस दिन भी देखो कोई लगाव से नहीं जाता था। मैं यही कहना चाहती हूँ क्योंकि जिसको लगाव है तो मिलेगा ही मिलेगा, आप उसकी चिंता मत करो। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर ले, वो क्या करते दिन में दो बार तो मिलते होंगे, लेकिन जब नहीं मिल पाते तो फिर एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप और वो SMS खेलते रहते, तो इससे इसका मतलब ये नहीं है कि उनको लगाव नहीं, उनको तो लगाव बहुत है, इससे ज्यादा लगाव है कि 24 घंटे एक दूसरे के टच में रहते। तो मैं रादर ये कहूंगी, तीसरी बात कि आप जो कहते हो कि ये जो 20 दिन के बाद मिले खाना खाया तो वो भी चल रहा है, आप ये गलत समय में तो यार दोस्तों के सैटरडे संडे पर बाहर आ जाइए, आपको पता चलेगा कि जिनको एक दूसरे के साथ रहना है, लगाव है, वो कैसे भी करके मिलेंगे, भले आपके पास ये व्हाट्सएप है या सोशल मीडिया। जिनको नहीं करना था और वो झूठा रिलेशन दिखाना था, हाँ वो लोग अभी नहीं कर रहे तो वो तो अच्छा ही है ना, क्योंकि उसका भी टाइम बचेगा, अपना भी टाइम बचेगा। तो मैं तो इसको इस तरह देख रही हूँ मैडम कि इससे तो लोगों का उल्टा फायदा हुआ है, जैसे कि लेटर से मुझे किसी को हैप्पी बर्थडे करना है, लेकिन ठीक है कह देना, या कई बार थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, पहले बर्थडे याद नहीं रहते थे लेकिन अब तो फेसबुक में रोज आते थे टॉन्ग करके कहा जिसका बर्थडे है या ये किसके बर्थडे है, थैंक्स टू के शेड्यूलर्स लग जाते हैं, एप्स आते कि अपने आप हैप्पी बर्थडे कर देता है, तो जो पहले झगड़े होते थे कि भाई किसी को खराब लगेगा इसने मेरे को विश नहीं किया, वो बहुत खुश होता है कि सबने मेरे को विश किया और वो भी इसी तरह सबको विश करता है। तो आई वुड रादर से कि इससे कुछ कम नहीं हो, इससे तो प्यार प्रेम ज्यादा हुआ है, उल्टे लोगों का एफिशिएंसी बढ़ी है। बिल्कुल सर, दूसरा एक पहलू हम ये देखना चाहते हैं, रुझान जी आप सामाजिक कार्यकर्ता भी है, क्या कहेंगे कि सामाजिक कार्य करने में, क्योंकि आज मैं ये कहूंगी कि अगर किसी महिला पे किसी ने अटैक किया है, घरेलू हिंसा हो रही है, उसके पास अगर फोन होगा वो तुरंत ही पुलिस को फोन कर पाएगी, या जो खास एक हेल्पलाइन है महिलाओं के लिए उसे भी फोन कर पाएगा, ये क्या कहेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे सामाजिक जो एक्टिविटीज होती है, प्रवृत्ति होती है, गुनाहित प्रवृत्तियों को रोकने में दूरसंचार माध्यम कितना उपयोगी साबित हुआ है? आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट लिया है कि सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी के कारण ही, अगर आज की तारीख में जो हमारी 109 जो पुलिस हार्ट है, हेल्प इमरजेंसी अलर्ट रेस्क्यू टर्मिनल, जिससे हम बहनों को
उसी वक्त इमरजेंसी इमरजेंसी यानी रेप मोरेस्टेशन चीटिंग डोमेस्टिक वायलेंस में जो बचाते हैं वो कैसे बचाते हैं, इसके कारण ही बचाते हैं, ये आपके लैंडलाइन के कारण बचती है कि उसको खाली 1091 बूट दबाना है, वो बोल भी नहीं पाएगी, लेकिन टेक्नोलॉजी थैंक्स टू दिस दूर संचार टेक्नोलॉजी थैंक्स टू द मोबाइल टेक्नोलॉजी उसका लोकेशन मिल जाएगा और उसको बचाया जाएगा। सो यू नो ये टेक्नोलॉजी की ये जो अपने पॉजिटिव पॉइंट है तो इससे ये फायदा हो रहा है कि बहनों को सेफ्टी रखी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे अभी भी याद है कि हम पहले जाते थे बाहर तो मम्मी को बहुत टेंशन होती थी कि भाई फोन क्यों नहीं किया, कहाँ थी, क्या थी, अब मम्मी भी वो है तो रिलैक्स है कि चलो भाई कभी जरूरत पड़ेगी हम रोजाना फोन करके बात कर लेंगे या कुछ रुझान को होगा तो वो हमको फोन करके बात करेगी। तो इससे एक मेंटली लोगों को बहुत सिक्योरिटी और सेफ्टी मिलती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इसमें ऐप वेप डालते हो जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो सब बहनों को बोल देती हूँ यहाँ से यहाँ से बोलना चाहती हूँ कि भाई आपके साथ कोई गैर व्यवहार करे, खाली गैर व्यवहार करे तो रिकॉर्ड करो और क्या ताकि आपके पास प्रूफ रहे। यहाँ तो बहुत ऐप्स आते हैं जिसमें वीडियो भी होती है ऑडियो भी रिकॉर्डिंग होती है, ताकि ऐसा भी जरूरी नहीं कि सिर्फ फोन वाला रिकॉर्ड करो, अगर आमने सामने बैठे हैं कोई आपको गाली दे रहा है या अश्लील बातें कर रहा है तो रिकॉर्ड करो ताकि आपको हेल्प हो। तो देखा जाए तो ये एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हो गया है और आपको उसका पावर अपने फायदे के लिए यूज करना है ताकि आपको एज अ वुमेन आपको आपकी खुद की सेफ्टी सिक्योरिटी मिले। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तो ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स भी आए हैं जहाँ पे आपको फ्री लीगल सर्विस मिलती है, फ्री लीगल एडवाइस मिलती है, आप लिख सकते हो कि ऐसा ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो तुमको एडवाइस दे सकते आप ऐसा ऐसा करो। तो इस तरह बहनों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल चीज है और जो ये 1091 हेल्पलाइन है इसके लिए इस टेक्नोलॉजी के कारण लोगों को इससे बहुत सपोर्ट और सेफ्टी मिल रही है। दूर संचार माध्यमों की वजह से कहीं ना कहीं एक विश्व पूरा हमारे हथेली पे सिमट गया हो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल से कहीं ना कहीं इसका मिसयूज होता है, दुरुपयोग होता है और कहीं ना कहीं हम इतना आधारित हो जाते हैं इस पे तो कहीं विकलांग भी हो जाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी है, उपयोग इसका करना चाहिए, दुरुपयोग बिल्कुल से दूर रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दिमाग का भी इतना ही उपयोग करना चाहिए क्योंकि ये हमारे परिवर्तन के लिए, हमारे विकास के लिए बनाई गई है। इसका संशोधन आगे भी ऐसा होता ही रहेगा। रुझान जी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए। तो दर्शकों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे दर्पण में एक नए विषय के।